ग्वालियर में एक नाराज युवक ने अपने ही साले को अगवा कर लिया। घटना महाराजपुर थाना क्षेत्र की है, जब पत्नी और बेटे को घर न भेजे तो नाराज दामाद ने कोचिंग में बच्चों को पढ़ा रहे साले को कट्टा लगाकर अगवा कर लिया। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौका पाकर साला आरोपी के पास से फरार हो गया। आपको बता दें कि ग्वालियर के महाराजापुरा थाना क्षेत्र के गंगा विहार निवासी रामनरेश शर्मा पुलिस में शिकायत की है कि उनका बेटा अंकित शर्मा कोचिंग संचालक है, जो रोज़ की तरह बीते रोज भी अंकित बच्चों को कोचिंग के लिए पढ़ा रहा था। तभी उनका दामाद गीता शर्मा सुल्तानपुर जालौन में रहने वाले भूपेंद्र गुर्जर और तीन अन्य साथियों के साथ मुंह पर कपड़ा बांधकर कोचिंग में घुसा आया और कट्टा अड़ाकर उनके बेटे अंकित को जबरदस्ती मारपीट कर कार में डालकर ले गया। कोचिंग संचालक के अपहरण का पता चलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी कैमरों में आरोपियों की पहचान कर तलाश शुरू कर दी है। वहीं पुलिस ने आरोपी बहनोई और उसके साथियों के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कर लिया है। जांच के बाद अगवा साले की तलाश शुरू कर दी गई है। इस बीच महगांव के बाजार में मौका लगने पर साले ने कार से छलांग लगा दी और मदद के लिए शोर मचाया, जिससे भीड़ भरे बाजार में जनता के हाथ लगने से घबराए आरोपी भाग निकले। घटना का पता चलते ही महगांव थाना पुलिस मौके पर पहुंची और अपहरण को अपनी निगरानी में लेकर महाराजापुरा थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच के बाद उसे लेकर वापस ग्वालियर आए। महाराजपुरा क्षेत्र अंतर्गत एक घटना हुई कल दिनांक को, जिसमें एक जीजा ने अपने ही साले का अपने को सहयोगियों की मदद से अपहरण कर लिया और उसको अपनी गाड़ी में डाल के भिंड की तरफ उसके रवाना होने की सूचना मिली थी, जिसकी सूचना पर से उसका पीछा किया गया पुलिस की टीम के द्वारा और जिसकी वजह से वो उसको महगांव के पास छोड़ के भाग गए। इस पर से 365 IPC में अपराध पंजीबद्ध किया गया है।